ऑटो सेक्टर में आई मंदी ने देश में मायूसी ला दी है। जहां लाखों लोगों के सामने काम बंदी का संकट है, तो वहीं कई दिग्गज कंपनियों पर ताला बंदी की नौबत है। इस मंदी ने तो फ्यूल की डिमांड पर भी खासा असर डाला है, जिसकी वजह से सितंबर 2019 में फ्यूल की डिमांड घटकर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये आंकड़े देश की परेशानी बढ़ाने वाले हैं, मोदी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें लाने वाले हैं। देश में आए आर्थिक संकट का सामना इस वक्त सबसे ज्यादा ऑटो सेक्टर कर रहा है। मंदी ने ऑटो सेक्टर को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे सुधारने के लिए सरकार समाधान नहीं बल्कि बहाने तलाशती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ओला उबर को जिम्मेदार ठहराती हैं, जबकि खुद अपनी नाकामी नहीं मानती हैं, जिसका असर अब फ्यूल की डिमांड पर भी पड़ने लगा है। सितंबर 2019 में फ्यूल की डिमांड घटकर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी PPAC के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत गिरकर 1.601 करोड़ टन पर आ गई है, जबकि ये जुलाई 2017 के 1.606 करोड़ टन से कम है। सबसे ज्यादा डिमांड डीजल की घटी है। दरअसल भारत में फ्यूल के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल डीजल का होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सितंबर में 3.2% घटकर 58 लाख टन रह गया है। अगर बिक्री की बात करें तो सितंबर में फ्यूल ऑयल की सेल 3.8% घटकर 5,25,000 टन रह गई है। केरोसिन की मांग में भी खासी कमी आई है। केरोसिन की डिमांड करीब 38% गिरकर 1,76,000 टन रह गई है। फ्यूल डिमांड में गिरावट का ये आंकड़ा ऐसे वक्त में सामने आया है जब निर्यात भी घटता जा रहा है। सितंबर में निर्यात 6.57% गिरकर महज $26 अरब हुआ है। ये आंकड़े सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, लेकिन सरकार अपने में मस्त है, जबकि जनता पस्त है। DB लाइव की रिपोर्ट।